दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड के साथ आपका बनाया हुआ गोवा का ट्रिप फाइनल हो जाता है और आप घर से निकल जाते हो गाड़ी लेकर, कुछ घंटों का सफ़र, और आप फिर गोवा के अंदर, और आपका गोवा का ट्रिप सक्सेसफुल होने वाला है कुछ घंटों के सफ़र के बाद, लेकिन सफ़र के दौरान आपको पता लगता है कि 3 घंटे हो चुके हैं और आप गलती से गोवा की डायरेक्शन के बजाय किसी और डायरेक्शन में, किसी और शहर में पहुंच चुके हैं। और अब आपका दोस्त आपको कहता है कि यार 4-5 घंटे का तो गोवा का सफ़र था, अब 3-4 घंटे गलत डायरेक्शन में आ ही गए, तो अब वहीं चलते हैं क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन पर, कि क्या अब हमें इस गलत डायरेक्शन में वापस मुड़ना चाहिए या नहीं? अगर आपका आंसर है कि हाँ, चाहे जितना भी गलत डायरेक्शन में है, लेकिन हमने जाना तो गोवा ही है ना, तो भले ही कितनी मर्जी दूर आ चुके हों, लेकिन वापस तो मुड़ेंगे क्योंकि हमारा गोल डेस्टिनेशन गोवा है। दोस्तों, इस छोटे से एग्जाम्पल के जरिए, जो कि इमेजिनेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोवा का प्लान बनते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, तो गोवा का प्लान बनना अपने आप में एक इमेजिनेशन है, लेकिन उसी इमेजिनेशन वाले एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही कितनी दूर पहुँच गए हो और आपको पता लग गया है कि अब ये गलत डायरेक्शन थी जहाँ मैं बहुत सालों से चल रहा हूँ, या बहुत वक्त बिता दिया मैंने गलत डायरेक्शन में, ये मेरे गोल की तरफ का रास्ता नहीं है, मेरे सपनों की तरफ का रास्ता नहीं, ये मेरी वो परफेक्ट लाइफ की तरफ का रास्ता नहीं है, तो दोस्त वापस मुड़ना गलत नहीं है। बहुत वक्त गुजर गया, बहुत उम्र निकल गई, अब क्या हो सकता है, ये भी सही आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप भले ही जितनी मर्जी गलत डायरेक्शन में पहुंच चुके हो और आपको पता लग जाए कि ये डायरेक्शन गलत है, तो वहां से मुड़ जाना सही है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के जरिए आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, कितनी मर्जी उम्र निकल जाए गलत डायरेक्शन में और आपको बहुत देर से पता लगे, तब भी वापस मुड़ना गलत नहीं है। कितना मर्जी वक्त निकल जाए गलत डायरेक्शन में, तब भी वापस मुड़ना मुश्किल नहीं है और गलत नहीं है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं सबको बता पाऊं कि भले ही जितनी मर्जी देर से आप एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, बहुत सफर तय कर लो गलत डायरेक्शन में, लेकिन आपके पास हमेशा वो चांस होता है, हमेशा वो आपका ही डिसीजन होता है कि आपने वापस मुड़ना है और सही रास्ते पर चढ़ना है या नहीं। तो इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ यही बताना था, अपने आंसर्स जो भी आपने सोचा हो इस एग्जांपल के जरिए, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मैं भी जान पाऊँ। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो पाए, जो भी गलती से गलत डायरेक्शन में चल पड़े हैं और अब उन्हें पता लग गया, लेकिन वो सोच रहे हैं बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि देर नहीं हुई है, भले ही कितना वक्त, कितनी उम्र, कितना टाइम वो ट्रैवल कर चुके हैं उस गलत डायरेक्शन में। वीडियो को शेयर कीजिए, सबकी मदद हो पाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जुड़ता रहूं मैं हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर, मोटिवेटेड टू मोटिवेट।